नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अक्टूबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। जयपुर के मनोहरपुर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देर रात टोल प्लाजा के पास जयपुर से दिल्ली आ रही बगैर जीएसटी के ज्वेलरी से भरी वैन को पकड़ा। पुलिस ने 10 लाख की जीएसटी चोरी भी पकड़ी है। टीम प्रभारी धर्मवीर चौधरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई सुबह तक चलती रही। पुलिस ने अवैध रिवॉल्वर के साथ एक गनमैन और 10 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। जलोर जिले के रानीवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार यहां बदमाशों ने डीजल से भरे टैंकर से चालक का अपहरण कर लिया, लेकिन टायर फटने से बदमाश टैंकर और चालक को छोड़कर भाग गए। टैंकर चालक की मदद से करड़ा पुलिस ने टैंकर को बरामद कर लिया है। डीजल की कीमत 50 लाख रुपये बताई जा रही है। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में एक सूने मकान के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपए के गहने व नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शांति नगर झोटवाड़ा निवासी नवाब अली खान ने बताया कि वह किसी काम से बाहर गया था। पीछे से चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर अलमारी के लॉकर में रखे सोने चांदी के गहने व नकदी चोरी कर ले गए। सूचना पर पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर के जालूपुरा थाना पुलिस ने टॉयल के बहाने एक्टिवा चोरी कर ले जाने वाले बदमाश को देर रात गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल आरोपित से पूछताछ कर रही है। डीसीपी डॉक्टर राजीव पचार ने बताया कि वाहन चोरी के मामले में आरोपित महावीर कुमार सोनी निवासी हाउसिंग बोर्ड टोंक हाल बंची ठोलिया की धर्मशाला जौहरी बाजार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जयंती बाजार से एक्टिवा को टॉयल के बहाने धोखाधड़ी कर चोरी कर ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर संदिग्ध को चिन्हित किया। सीबीएसई ने 10वीं वार्षिक परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र पैटर्न में कई बदलाव किए हैं। गणित विषय से विकल्प वाले प्रश्नों को हटा दिया गया है। परीक्षार्थियों को एक अंक के सवाल का जवाब बहुत कम शब्दों में देना होगा। विज्ञान विषय में 2 अंक के प्रश्नों को हटा दिया गया है। अब केवल 1, 3 और 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान में भी विकल्प वाले प्रश्नों की जगह केवल छोटे सवाल रहेंगे। इससे पहले बोर्ड ने 12वीं के प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव किया है। यह बदलाव लॉकडाउन में छात्रों की तैयारी ठीक से नहीं होने के कारण किए गए हैं। प्रदेश में मोटे मुनाफे का प्रलोभन देकर निवेशकों से करीब 40,000 करोड़ की ठगी करने वाली स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की सरकार ने ऑडिट कराने का फैसला किया है। सहकारिता विभाग ने रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश संबंधित क्षेत्र अकेशन अधिकारियों एवं विशेष लेखा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अग्रवाल ने निर्देश देते हुए कहा कि जिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ अनियमितता एवं गबन की शिकायत प्राप्त हुई है उनकी ऑडिट की जाएगी। इसमें ऑडिट के लिए निर्धारित अपैनलमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी सहायता ली जा सकेगी। जयपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बेची गई भैंस के पैसों का तकादा करने पर जयपुर के हरमाड़ा में रहने वाले बुजुर्ग सीताराम शर्मा ने हत्या कर दी गई। भैंस खरीदने वाले 2 युवकों ने बुजुर्ग सीताराम को ऐसी मौत दी कि पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। पुलिस ने 2 आरोपी रंजीत और सुखदेव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाश की जा रही है। झुंझुनू जिले के रानी सती मंदिर के सामने लगा एटीएम चोर उखाड़ कर ले गए। सूचना पर सीओसीटी लोकेंद्र दादरवाल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि चोर आईडीबीआई बैंक का एटीएम उठाकर ले गए हैं। बैंक ने कल ही एटीएम में 6.5 लाख रुपए डाले थे। पुलिस ने मौके से डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी बुलाया है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सवाईमाधोपुर जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद सरकार ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम को सौंपी है। क्राइम ब्रांच ने पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल के नेतृत्व में टीम सवाईमाधोपुर पहुंच चुकी है। अन्वेषण भवन में ठहरी क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र के सुनीपुर के तालाब में 2 बालक डूब गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से 2 बालकों में से 1 बालक को सकुशल बाहर निकाला। बालक को बाड़ी चिकित्सालय ले जाया गया है। वहीं दूसरे बालक की पुलिस और ग्रामीण तलाश कर रहे हैं। वहीं समाचार लिखे जाने तक रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंची थी।
झालावाड़ जिले के रणजी चौराहे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। सूचना पर झालावाड़ रोड पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि ट्रॉले ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक को गंभीर हालत में झालावाड़ के SRG अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। वहीं पुलिस ट्रॉले चालक को पकड़ने का प्रयास कर रही है। एक खबर यूपी के बरेली जिले से। यहां मीरगंज थाने के बहरोली गांव में वकील बेटे ने अपने सेवानिवृत्त अध्यापक पिता और मां की मंगलवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग दंपति 76 वर्षीय लालता प्रसाद गंगवार और उनकी पत्नी 70 वर्षीय मोहिनी देवी सुबह पूजा पाठ कर रहे थे। अचानक बेटे दुर्वेश में आकर माँ बाप को अपशब्द कहे और मारपीट करने लगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद बात बढ़ने पर उसने गोली चला दी, जिसके बाद दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी फरार हो गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।